नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय परीक्षाओं की जो तारीखों की घोषणा कर दी गई है उस बारे में। जैसा कि आप दोस्तों स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, सातों दिन दो की बजाय तीन शिफ्ट में होगी स्नातक परीक्षाएं। 1 जुलाई से यूजी, 16 से पीजी की होगी परीक्षाएं। पूरी खबर क्या है, पूरी न्यूज क्या है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूं और साथ ही साथ बताने वाला हूं क्या ये फाइनल डिसीजन है या फिर इसमें भी दोस्तों चेंजेस हो सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो प्रवेश परीक्षाओं की तिथि और ऑनलाइन आवेदन की तिथि घोषित कर दी गई है उसके बारे में भी। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, सातों दिन दो की बजाय तीन शिफ्ट में होगी स्नातक परीक्षाएं। 1 जुलाई से यूजी, 16 से पीजी की होगी परीक्षाएं। आप देख सकते हैं दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की न्यूज है, लेकिन अन्य विश्वविद्यालय भी इसी राह पर चल सकते हैं। देख लेते हैं पूरी न्यूज क्या है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं इससे संबंध डिग्री कॉलेज में स्नातक की वार्षिक परीक्षाएं 1 जुलाई से तो परास्नातक समेत अन्य पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाएं 16 जुलाई से शुरू होगी। कुलपति प्रोफेसर आर तिवाड़ी की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की सोमवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तीन शिफ्ट में सातों दिन होगी परीक्षाएं। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कम अवधि में परीक्षाएं समाप्त कर कॉपियों का मूल्यांकन कराकर परिणाम घोषित कर दिया जाए। इसके मद्देनजर परीक्षा सप्ताह में सातों दिन कराने का निर्णय लिया गया है। शनिवार और रविवार को भी परीक्षाएं होगी। इतना ही नहीं, स्नातक की परीक्षा 2 की बजाय 3 शिफ्ट में कराई जाएगी। आवश्यकता पड़ी तो पीजी की परीक्षाएं भी 1 की बजाय 2 शिफ्ट में कराई जा सकती है। परीक्षा के दौरान 2 परीक्षार्थियों के बीच निर्धारित दूरी रखी जाएगी, इसलिए परीक्षा केंद्र बढ़ाए जाएंगे। परीक्षा विभाग इसका विस्तृत प्लान तैयार करेगा। सभी शिक्षकों और शिक्षण नेतर कर्मियों के लिए परीक्षा ड्यूटी अनिवार्य होगी, कोई ड्यूटी से मना नहीं कर सकेगा। परीक्षा कार्यक्रम मई के अंत तक जारी किया जाएगा, यानी मैं बता दूं दोस्तों 30 मई तक है वो आपका टाइम टेबल भी है, वो जारी कर दिया जाएगा। और विश्वविद्यालय के जितने भी विभाग है उनको सैनिटाइज किया जाएगा। अब दोस्तों एक बात आ रही थी कि क्या दोस्तों परीक्षा के जो पैटर्न है प्रश्न पत्र में उसमें बदलाव होगा, तो इस पर आप देख सकते हैं यूजीसी ने कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो गाइडलाइन जारी की है इसमें पेपर के प्रारूप में बदलाव का सुझाव भी दिया गया है। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजों की स्नातक की वार्षिक परीक्षाओं में दोस्तों पैटर्न है वो नहीं बदलेगा, क्योंकि लॉकडाउन के पूर्व परीक्षा है वो पुराने पेपर पैटर्न के आधार पर हो चुकी है, इसलिए पैटर्न को अब बीच में नहीं बदला जा सकता। लेकिन जो सेमेस्टर और पीजी की परीक्षाएँ हैं उनमें प्रारूप को जरूर बदला जा सकता है, इस पर है वो दोस्तों अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। साथ ही साथ पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खबर यह है कि उनके ऑनलाइन पीएचडी वाइवा को भी मंजूरी दे दी गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये अंतिम निर्णय है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं ये अंतिम निर्णय नहीं है। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर जरूर परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन राज्यपाल महोदय ने भी एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की हुई है, वो निर्णय देगी कि परीक्षाएं करवाई जाए या नहीं करवाई जाए, या विद्यार्थियों को बिना परीक्षा ही प्रमोट कर दिया जाए अथवा परीक्षा में समय को घटाया जाए या पैटर्न को चेंज किया जाए। जो अंतिम निर्णय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई कमेटी है राज्यपाल महोदय की अनुशंसा से वो ही लेगी। अब बात कर लेते हैं प्रवेश परीक्षाओं के बारे में। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, दाखिले के लिए 10 मई से ऑनलाइन आवेदन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं इससे संबंध डिग्री कॉलेज में स्नातक परास्नातक सहित अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 मई से शुरू हो जाएगा। सोमवार को कुलपति प्रोफेसर आर तिवाड़ी की अध्यक्षता में हुई प्रवेश प्रकोष्ठ की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आवेदन की अंतिम तिथि अभी तय नहीं हुई है, प्रवेश परीक्षाएं अगस्त में होगी। प्रवेश परीक्षा तिथि तथा बहुत जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग लागू करते हुए प्रवेश परीक्षा के दौरान 2 परीक्षार्थियों के बीच दूरी रखी जाएगी, इस कारण इस बार प्रवेश परीक्षा के लिए केंद्रों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। प्रवेश प्रकोष्ठ के विशेषज्ञ केंद्रों में जाकर वहां के परीक्षा इंतजाम का जायजा लेने के बाद ही परीक्षा केंद्र पर फैसला लेंगे। बता दें कि प्रवेश प्रकोष्ठ में शैक्षिक सत्र 2020-21 में स्नातक परास्नातक सहित अन्य पाठ्यक्रमों में लिए प्रवेश के लिए 25 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे और लॉकडाउन के दौरान आवेदन को लेकर होने वाली असुविधा को देखते हुए छात्र नेताओं ने इसका विरोध किया था। 2 दिन बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। हालांकि इन 2 दिनों में ही 2900 छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, जबकि 300 ने तो फीस जमा कराकर आवेदन पत्र को अंतिम तौर पर सबमिट भी कर दिया था। अब अगली लॉकडाउन में, जबकि लॉकडाउन में थोड़ी शिथिलता मिलनी शुरू हुई है और 17 मई को लॉकडाउन 3 की अवधि पूरा होने के बाद थोड़ी और शिथिलता मिलने की उम्मीद है, तो प्रवेश प्रकोष्ठ ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। दोस्तों सभी परीक्षाओं में एक बात और बता दूं, चाहे वो कोई भी परीक्षाएं हो उसमें मास्क लगाना अनिवार्य होगा। यही दोस्तों आपके विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट थी। आपको भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्वविद्यालय कॉलेज से जुड़ी हुई पल पल की खबर, पल पल की अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।